हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद से कहता है, सुनिए, नृप कहियो मंत्र जंत्र कछु आही के छल कर तकछु तू बसाही। राजा हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रह्लाद तुझे इतना मारने का प्रयास किया है, हाथियों से कुचलने का प्रयास, तुझे पर्वत से फेंकने का, सर्पों से मारने का, होलिका के गोद में विष देकर कितना प्रयास, क्या तुझे तुझे हमारा डर नहीं लग रहा है? मैं हिरण्यकश्यपु, आपने अगले दिन सुना ना, हिरण्यकश्यपु का नाम कोई सुने तो धोती गीली हो जाती है, तीनों लोक जिसके नाम से कांपता है, और तुझे मुझ मेरा डर नहीं लग रहा है, और तुझे इतना मारने का प्रयास किया प्रह्लाद, तू मर क्यों नहीं रहा है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है, तू मर क्यों नहीं रहा? तू क्या कोई जादू टोना जानता है? क्यों जंतर मंत्र जानता है? कोई तंत्र जानता है? तब प्रह्लाद ने बहुत सुंदर कहा, क्या कहते हैं, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम। हे पिताजी, मैं जादू टोना नहीं जानता, मैं तो हरि नाम जानता हूं। सुख हो दुख हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तो हरि नाम लेता हूं और हरि नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। हरि का नाम, विष्णु का नाम, भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा विष्णु? विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यपु खोल गया, बोले विष्णु तेरी रक्षा करता है, कहां है तेरा विष्णु? प्रह्लाद ने कहा, क्वेश्चन रॉन्ग है, आपका प्रश्न ही रॉन्ग है, कहां है ये मत पूछिए, कहां नहीं है ये पूछिए, कहां है तेरा विष्णु? तब प्रह्लाद कहते हैं, घट घट में जाको विश्राम। ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी कहते हैं, प्रह्लाद ने क्या कहा, घट घट में जाको विश्राम। पिताजी, मेरे भगवान विष्णु घट घट में है, कण कण में है, क्या बताऊं, अत्र तत्र सर्वत्र, मैं तो जहां देखूं वहां मुझे विष्णु ही विष्णु दिखाई दे रहे हैं, भगवान तो सब जगह पर। अब हिरण्यकश्यपु परम क्रोधमय हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा विष्णु सब जगह पर है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि उस महल में एक खंबा था, उस खंबे के ऊपर दृष्टि गई और खंबा दिखाकर कहा, प्रह्लाद क्या इस खंबे में तेरा विष्णु है? प्रह्लाद ने कहा, पिताजी यदि सब जगह पर है तो उस खंबे में भी है, आज मैं तेरे विष्णु को देख लूंगा। हिरण्यकश्यपु पूर्ण आक्रोश में, क्योंकि वैसे ही वो चिंता में था। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, ये मर मर के जीने से अच्छा है या मैं मर जाऊं या विष्णु को मार दूं, आज फैसला, आज 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 धरती का गोला या तो तेरा विष्णु नहीं या तेरा बाप नहीं है, आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूं। हिरण्यकश्यपु वज्र के समान अपनी मुष्टिका बनाया और जैसे ही उस खंबे के ऊपर मारने गया, अवतार चरित्र के कवियों ने लिख दिया, वैशाख सूद चतुर्दशी, वैशाख सूद चतुर्दशी के दिन बिल्कुल वो खंबे के ऊपर हिरण्यकश्यपु प्रहार करे, उसके पहले वो खंबा टूटा, खंबे में एक क्रैक हुई और खंबा टूटा। नारद मुनि कहते हैं, खंबे के टूटने के आवाज से सूर्य पूर्व में जा रहा था, पश्चिम में चला गया।
नदियों का जल, समुद्र का जल आकाश को छूने लगा। देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, अप्सरा के नृत्य बंद हो गए। बोले ये इतना बड़ा कड़ाका, इतना बड़ा आवाज कहां से आया? और उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। श्री नरसिंह देव भगवान की, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए खंबे को तोड़कर। हिरण्यकश्यपु देखने लगा कि ये है कौन है? क्योंकि भगवान नरसिंह देव की जीवा लप लपाती तलवार जैसी जीवा, भगवान नरसिंह देव के बाल आकाश को छू रहे हैं, भगवान नरसिंह देव के शरीर से करोड़ों प्रकाश का पुंज निकल रहा है, भगवान नरसिंह देव के नाखून तीक्ष्ण वज्र के समान, और भगवान नरसिंह देव की सहस्त्र सेना के समान सहस्त्र भुजा। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये आधा नर आधा सिंह, ये है कौन? लेकिन वह मूर्ख नहीं समझ पाया, ये नरसिंह है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया और भगवान नरसिंह देव चलने लगे। नारद जी कहते हैं कि नरसिंह देव की चलने की धमक से धरती डोलने लगी, ब्रह्मांड डोल, जैसे कोई गजराज हाथी किसी नौका पर अपना पांव रखे और नौका डोलने लगे, वैसे ये धरती डोलने लगी भगवान नरसिंह देव की धमक से। और एक ही सेकेंड में भगवान नरसिंह देव ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से हिरण्यकश्यपु की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। और अब भगवान नरसिंह देव की दृष्टि हिरण्यकश्यपु के ऊपर, हिरण्यकश्यपु पूर्ण आक्रोश में आज, क्योंकि वो तो अब मेंटली प्रिपेयर हो ही चुका था, मैं नहीं या तो वो नहीं। हिरण्यकश्यपु के हाथ में गदा, भगवान नरसिंह देव के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दमासान युद्ध, बिल्कुल वीर रस आज प्रकट हो चुका है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु वही जय विजय पार्षद और साक्षात भगवान, दोनों की बराबरी और दोनों एक दूसरे के ऊपर मारो मारो की ध्वनि, टूट पड़े। दमासान युद्ध, सबसे पहले जैसे कोई गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे भगवान नरसिंह देव ने गरुड़ की तरह सांप को पकड़, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, लेकिन भगवान के हाथों से हिरण्यकश्यपु भाग गया। गदा का प्रहार, एक दूसरे के ऊपर प्रहार, और प्रहार करते करते, युद्ध करते 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 संध्या का समय हुआ। भगवान ने देख लिया कि बस अब संध्या हो चुकी है, भगवान बस राह देख रहे थे कि संध्या कब हो। जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने का निश्चय कर लिया। क्यों? इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, ऋषि मुनियों की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, आर्य संस्कृति ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, और अपने भक्त राज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने का निर्णय ले लिया। जैसे ही भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को मारने का निर्णय किया, हिरण्यकश्यपु के मस्तक के ऊपर गीध डोलने लगे, हिरण्यकश्यपु के मस्तक से ताज गिरने लगा, हिरण्यकश्यपु का दाया अंग फरकने लगा। हिरण्यकश्यपु की मां दीति के स्तन से खून चूने लगा। हिरण्यकश्यपु को पूर्ण प्रकार से अपशुकन होने लगे, और उसी समय भगवान नरसिंहदेव बिल्कुल एक झपट से हिरण्यकश्यपु को अपने हाथों में पकड़ लिए, और पकड़कर चौखट पर, न घर पे, न अंदर, न बाहर, बिल्कुल घर की चौखट पर आसन रखे, और भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में सुलाया, ब्रह्मा का वरदान याद कराया, न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है, न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नाखून है, न नर है न पशु है, ये नरसिंह है, ये सारे ब्रह्मा का वर याद कराया। और ब्रह्मा के वरदान को रखते हुए भगवान नरसिंह देव जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को बिल्कुल फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंह देव अपने तीक्ष्ण हाथों के उस नाखून से हिरण्यकश्यपु के पेट में वो डाले, और उस चटाई बनाने वाले मिस्त्री से तिनके को फाड़ता है, वैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ा, बिल्कुल खून का फुव्वारा ऊपर हो गया, खून आकाश को छूने लगा, और देवता आकाश में प्रकट, लेकिन भगवान के इस विग्रह को देखकर बोले,
हैं, ये हम लोग देवता इतने कांप गए क्योंकि भगवान नरसिंहदेव पूर्ण आक्रोश में थे, पूर्ण क्रोध में थे। कोई देवता भगवान नरसिंहदेव को हार माला पहनाने को नहीं आया। भगवान ने सोचा देवता ना आए कोई बात नहीं, हिरण्यकश्यपु की आंत को निकाल कर माला के रूप में पहन लिया, क्योंकि सिंह के लिए ये शोभा माना गया है, और मनुष्य की आंत 22 फीट लंबी होती है, और हिरण्यकश्यपु तो कितना बड़ा कि उसकी आंत तो कितनी बड़ी होगी। तो इस प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने वो देवता नहीं आ पाए। लक्ष्मी जी को बुलाया कि पति कितना भी गर्म हो पत्नी के सामने बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है, लक्ष्मी जी आप चलिए। हाथ में माला लेकर लक्ष्मी आई, जब पति को देखा बोले पति तो मेरा है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मूड बराबर नहीं है आज। लक्ष्मी भी पीछे चली गई, तब प्रहलाद के हाथ में माला दी गई, प्रहलाद महाराज ने माला पहनाई और सारे देवता भगवान की जय जयकार करने लगे।